ये बहुत ही सरल होता है देखो, मतलब जैसे कि हम चावल बनाते हैं ऐसे ही करके इसे कूट के, और मुझे तो मालूम ही नहीं इसके अंदर दाने कैसे रहती, लाली रहती मेरे ख्याल से, रेडी दानी रहती। इस कबल मेरे लिए ब्लाउज बना रहे दादी, मेरा तीसरी ड्रेस है ये, क्यों किलो मिलाती हूँ इसमें थोड़ा बहुत नमक, कपड़ों की सिलाई पे लगे हैं स्वागत आपका दे उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। तो दोस्तों मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत मेरी सुबह के करीब 9:30 से, और आज बोली मम्मी मेरी फोटो खींच, पैजामा ऊपर क्यों किया मम्मा, निकाल दिया, अरे दुखा रही चिप्स, मैं कर रही हूँ सूट की कटिंग, जो कि ये है मेरे ननंद की सूट और इस वाले के, और ये भी है, तो मैं कटिंग करूँगी, सी लेंगे तो ये खुद ही, इन्होंने बोला कटिंग करके दो तो मैं कटिंग करती हूँ। सूट की कटिंग मैंने कर ली है, बाद में एक सुलार की भी, और ये है सुलार, और दादी जी बोले इस कबल मेरे लिए ब्लाउज बना रही, दादी ब्लाउज बनाओ मेरे लिए, रेड कलर दादी का फेवरेट है बोला, तो दूसरी बार लेके आएंगे हम दादी के लिए ब्लाउज है रेड वाला कलर। ये मैं सूट की कटिंग भी, और आज ना तबीयत थोड़ी सी है, हाँ। मैंने बात किया, मैंने ये काम आज कसम से, तो मैं ना कंफ्यूज भी होती हूँ जब कटिंग करती हूँ, थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज भी होती हूँ जब, मतलब बहुत दिनों बाद करती हूँ कटिंग, ऐसे करके थोड़ा कंफ्यूजन भी होती है मेरे को, ये भी मेरी तरह बोली कंफ्यूजन होती है बहुत आराम लड़की। घास के लिए अब मिलती हूँ आपको बाद में, घास निकाल के, मतलब घास से आकर, और अनाज रहेगी यहीं पर अपनी बुआ के साथ, जो कि इसकी दोनों बुआ यहाँ पे, सूट की कटिंग तो मैंने कर ली है, बाद बाकी सिलाई राधु की बुआ करेगी बड़ी वाले, तो वो ये करेंगे, और मेरा पैर ना जोंक नहीं दिखाए देखो यहाँ पे पलाडी पलट निकल रहा, तो दोस्तों आ गई मैं घास निकाल के, इसको देखो हाँ गंदी लड़की है, मैं बोली फोन मत छेड़, लाइट नहीं है, कपड़े नहीं करेगी चेंज, कपड़े बदलेगी, चल दो खड़ी उठ उठ खड़ी, गंदू नो चल खड़ो उठ, खड़ी उठ ना तभी तो करेंगे चेंज, उठ खड़ी जल्दी, देखो इसके नाटक कैसे करके उठती है खड़ी, दे दोस्तों अभी टाइम भी दिन के 1 बज गए हैं, और अभी मौसम भी कुछ आसमान पे बादल वगैरह लगे हैं, और हम लेते हैं तब तक ककड़ी का आनंद हरे नमक के साथ, और नमक भी नहीं बचा है इसमें तो पीसना पड़ेगा, क्या आ रहा तू, क्या आ रहा तू, शाबाश बोली मेरे को, शाबाश में नमक का डब्बा लेके आई बोली शाबाश, और आज ना इस ब्लॉग में मेरा तीसरी ड्रेस है ये, क्यों है जो मैंने ड्रेस पहनी थी मैं घास के लिए गई, और उसके बाद ना मुझे ना कीड़े ने खा लिया था, और उसे हमारे पास में जीजा कहते हैं उसने खा लिया था, तो मेरे में खुजली हुई, उसके बाद मैंने ड्रेस चेंज की तो उसमें गर्मी हुई, और अब मैंने ये पहन लिया फिर से, तो चलो ककड़ी काटते हैं फटाफट से, उधर आ चाकू दे, देखो ये कट के रेडी है मेरी ककड़ी, और आज रेडी है खाने के लिए है ना, चलो मिलाती हूँ इसमें थोड़ा बहुत नमक, और देती हूँ दादी को भी, और मेरी ननंद भी बैठी है सिलाई पे तो उसे भी देती हूँ फटाफट से, अराधू अराधू लेके जाएगी, तू लेके जाएगी बुआ के लिए बुड्ढी के लिए पक्का पक्का, हो गए शाम के 5 बज गए हैं, बाबा के सब बैठे हैं, और ये कपड़ों की सिलाई पे लगे हैं, डेली बोल रहे तो बात कर ब्लॉग पे, तो मैं कपड़े सिल रही हूं, डेली कहां है परसों एक ही दिन तो बोला, आज दूसरी बार बोली मैं,
तो कपड़े हिन के सिलने के लिए जो कि शादी का सीजन आने वाला है, इसलिए ऋषिकेश में ऋषिकेश में सिलाई कौन देता है, बोला यही सिल लेती हूँ पापर से। काजी के फोन में बिना पैर टर्न का गेम जिसको भी खेलना आ सकता है। तो आ देना उसके फोन में, मतलब कांच के फोन में डेली गेम खेल दी, एक का हाथ पकड़ते है दूसरे का हाथ पकड़, ये जीत गई राधु है, जीत गई राधु है कुबी गेम। वीडियो बनाओ तेरे राधु, तेरी वीडियो बनाओ सब यार की तैयार हो गई छत के ऊपर, क्योंकि खबर आ गई हूँ मैं। और यहाँ पे हमारी कौनी जो कि हमारे पास में कौनी कहते हैं, और इसकी मनाई करने आ रही हूँ मैं, तो इसकी मनाई करती हूँ थोड़ी बहुत। और लोग नीचे ही है, और बाद की हमारा मंडवा भी नहीं हुआ है अभी, अभी पता नहीं कितना टाइम रहेंगे यार हम यहाँ, मतलब ज़्यादा भी नहीं रहेंगे ये समझ लो आप, 7-8 दिन ऐसे ही। तो हम चलेंगे संडे के दिन यहाँ घर, क्योंकि ज़्यादा काम ना हमारा यहीं है यार, तो इसलिए हमें मतलब ज़्यादा डांडा ही रहना, देखते हैं अब कैसा कैसा होता है। और तब तक मेरे ख्याल से मंडवा भी हो जाएगा 1-1.5 हफ्ते में, और उसके बाद चलेंगे हम घर। और यहाँ पे ना मक्का है, तो मक्का फिर भी ना अभी मक्का नहीं आई है, छोटी छोटी है अभी, तो कुछ इसी तरह से है। और बाद बाकी ना घास तो हम जनवरी फरवरी तक लेके जाते हैं यहाँ से, और वो लोग तो नीचे है, मैं आ रही हूँ छत के ऊपर, मैं करती हूँ इसकी मंडाई। मैं इसी तरह से काम हो गए स्टार्ट, और अब मंडाई मंडाई अभी कौन की मंडाई, इसके बाद जंगोर की मंडाई, और फिर उसके बाद कोदे की मंडवाई, मतलब मंडवा की मंडाई की जाती है। तो पहले मैं इसको मांगती हूँ क्योंकि वो लोग नीचे है, तो मैं करती हूँ इस काम को फटाफट से, क्योंकि ये ना कौड़ी ना बहुत ही आसान होती है, इतना सरल होती है मंडाई करने के लिए। तो दोस्तों हो गई इसकी मंडाई भी, और जो कि ना ये बहुत ही सरल होता है, देखो रेड रेड कौनी ये देखो। और पहले के जमाने में ना इसे खाते थे, मतलब जैसे कि हम चावल बनाते हैं ऐसे ही करके इसे कूट के, और मुझे तो मालूम ही नहीं इसके अंदर दाने कैसे रहती, लाल ही रहती मेरे ख्याल से, रेड ही दानी रहती कहीं वाइट, तो ऐसे ही करके होता है ये कुछ। और हमने तो नहीं खाए हुए, पहले खाते थे वह, और अभी खा लेते हैं जिसका होता है, लेकिन हमारा इतना ही होता है, जो हमारा मतलब बोने की काम आ जाते हैं फिर दूसरे साल के लिए, ऐसे ही करके कुछ होता है पहाड़ में। मतलब आज जो चीज़ बोएं वो बोने के लिए, मतलब हमारी भाषा में उसे बीज कहते हैं, बीजा के लिए, और ऐसे ही करके होता है। तो अब मंगा दिया मैंने वहाँ पे अपना पहाड़ी सूपा और पलड़ा, तो मैं अब इसे ना थोड़ा फटकूँगी, और उसके बाद पलड़े में रखूँगी, और उसके बाद पलड़े में ना खाऊँगी इसे। तो अब क्योंकि ये हो गया है, और इसे ना हम अलग करके, और ये ना हमारा डांसूर के काम आ जाएगा। और बाद बाकी इसमें ना ज़्यादा कबाड़ा नहीं होता है जैसे कि झंगोरे में होती है छांगने की आफत, और इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, सरल चीज़ है एक, जो इसकी मंडाई उसी टाइम हो जाती है। मंडाई करके फाइनल, और पून पान के भी फटाक फटाक के भी, और अभी ऐसा हो गया है, और इतना ही हुआ है, मतलब कौन भी जितनी कौन रहती है उतना ही निकालता है, और मंडवा कितना नहीं है, मतलब मंडवा दिखने में बहुत सारा रहता है, वैसे मंडवा भी हो ही जाता है, गेहूँ गाँव होता है ऐसा, मतलब दिखने में तो बहुत सारा रहता है, होता बहुत ही कम है, तो ये इतना ही होता है जितना की रहता है। और अब चलते हैं हम नीचे को, और ये लेके जाएंगे इसे, और मैं लेके जाऊंगी इसे, क्योंकि अभी इसमें में ना कोई कायदा नहीं है, तो इनको फटाऊंगी मैं डोंसियोल में। तो चलो चलते हैं नीचे को, नीचे को आराधे लगी हो माँ, हो माँ ये हो माँ क्या हुआ, जागलू माँ, जागलू माँ,
उसने अपनी मम्मी को झगड़ा बना दिया। और मेरे को पता नहीं क्या है, क्या क्या बोलती है मेरे को। मम्मा झगड़ा, चलो दोस्तों आज इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं अनिता वगैरह मिलती हूँ आपको अपने अगले नए ब्लॉग के साथ। और तब तक के लिए जय देव भूमि उत्तराखंड।